मॉर्निंग किड्स, आई एम योर गायत्री मैम वंस अगेन ब्रिंग फॉर यू क्लास थर्ड इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 5. दिस इज पोएम फॉर यू द लिटिल प्लांट. दिस इज द पोएम अबाउट लिटिल प्लांट, छोटे से पौधे के बारे में ये पोएम है. बिफोर वी स्टार्ट राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस दैट आर सीन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, तो आपको इन पिक्चर्स को रिकग्नाइज कर कर कौन कौन से स्टेजेस हैं, किस तरह से वो सीड है जो प्लांट बनता है उसको नंबर देना है, 1, 2, 3, 4, ओके, कि किस तरह से वो ग्रोथ होता है प्लांट. अंडरस्टैंड? सो दिस वर्क डू बाय योरसेल्फ. नाउ लेट्स रीड द पोएम. इन द हार्ट ऑफ अ सीड बरी डीप सो डीप अ डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट स्लीप वेक सेट द सनशाइन एंड क्रिप टू द लाइट वेक. जब उस ग्राउंड में हम उस सीड को डालते हैं, है ना, कोई भी हम प्लांट अगर हमें उगाना होता है तो जब हम उस ग्राउंड में उस सीड को डालते हैं तो उस सीड के हार्ट में से एक प्लांट निकलता है छोटा सा, है ना, प्रोसेस होता है निकलने का कि अब वो है जो प्लांट बेबी बेबी प्लांट अब आएगा बाहर ग्राउंड के बाहर. और जब वो सोता है रात को तो उसे कौन उठाता है, सूरज की किरणें, सनशाइन आकर उसे उठाती है. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. विक सेट द वॉइस ऑफ द रेनड्रॉप्स ब्राइट द लिटिल प्लांट हियर्ड एंड इट रोज टू सी व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी. रोज वो सूरज की किरणें आकर उस छोटे से सीड को आकर उठाती है, फिर उसके ऊपर पानी भी डालती है, थोड़ा सा पानी कैसे डालती है, रेन ड्रॉप से, बारिश की जब बूंदें आती हैं वो रेन ड्रॉप से उसके ऊपर पानी भी डालती है, तो जब वो उसके सूरज की किरणें भी उसे मिलती है और रेन ड्रॉप्स भी उसे मिलती हैं तो वो थोड़ा सा बेबी प्लांट बाहर आता है और बाहर आकर क्या देखता है कि वाओ ये वर्ल्ड कितना ब्यूटीफुल है. सो अंडरस्टैंड किड्स, आपको भी ये वर्ल्ड कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना. सो किड्स दिस पोएम यू read 2 times and learn and write in your rough copy. Okay, have a nice day.